कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है, और अब महाराष्ट्र के ठाणे में दो छोटी बच्चों के साथ गंदी हरकत की खबर सामने आई है। जी हां, नर्सरी में पढ़ने वाली इन दो छोटी बच्चों के साथ स्कूल के बाथरूम में एक सफाई कर्मचारी ने गंदी हरकत की। दोनों बच्चों में से एक बच्ची ने अपने माता पिता को ये बात बताई, तब जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। और जब दोनों के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं, यानी कि स्कूल पहुंचते हैं और प्रिंसिपल से कार्रवाई की मांग करते हैं, तो पहली कोशिश ये होती है स्कूल प्रशासन की मामले को रफा दफा कर दिया जाए, जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा भड़क उठता है। वो स्कूल कैंपस में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद बाहर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पूरी जो भीड़ है वो जमा होने लगती है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती है, जिसके बाद वहां पर हंगामा बढ़ जाता है, प्रदर्शन उग्र हो जाता है और वहां मौजूद भीड़ को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये नौबत क्यों आती है? ये नौबत इसलिए आती है क्योंकि स्कूल प्रशासन ने मामले में सख्त कदम उठाने के बजाय पहली कोशिश की थी मामले को रफा दफा करने की। इन लोगों का कहना है कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चियां जो स्कूल कैंपस में जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, पेरेंट्स उन्हें भेजते हैं कि वो स्कूल कैंपस में सेफ रहेंगी, वहां पर अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगी। लेकिन इन दो छोटी बच्चों के साथ स्कूल कैंपस में इस तरह की घटना का होना एक बार फिर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्या ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति होती है जो छोटी बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, या किसी महिला डॉक्टर के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि महिलाओं का पहनावा, उनका व्यवहार इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है। लेकिन इन छोटी बच्चों का क्या कसूर था? पूरा देश मांग कर रहा है, डॉक्टर्स की सेफ्टी की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, महिला सुरक्षा से वंचित हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की ये आज की टिप्पणी है। उसके बाद ठाणे की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से पट्टियों पर भारी भीड़ जमा है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल के अंदर भी सेफ नहीं है। नर्सरी क्लास की इन दो छोटी बच्चियों के साथ जिसने गंदी हरकत की वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है, स्कूल के प्रिंसिपल टीचर पर कार्रवाई कर ली गई है। लेकिन इन बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, उन बच्चों के इस समय जहन में क्या गुजर रहा होगा जिन बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की गई, वो भी कब? 16 अगस्त के दिन, जिस दिन पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा था, बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांध रही थी, उस दिन रक्षाबंधन के पावन दिन के मौके पर ये स्कूल कैंपस में बच्चों के साथ इस तरह की हरकत होती है। पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच SIT से करवाई जाएगी, लेकिन वहीं राज ठाकरे ने पोस्ट भी किया है कि स्कूल में हुई इस घटना के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को 12 घंटे का समय क्यों लग गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जाहिर तौर पर सियासी वार पलटवार भी इस घटना को लेकर देखने को मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है बच्चों के परिवार को कि उन्हें न्याय मिलेगा, और साथ ही जो टीचर है, स्कूल की प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है और आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोलकाता और अब महाराष्ट्र का ठाणे, सवाल यही उठता है कि महिला हो या बच्ची हो या फिर लड़कियां, आखिर वो सुरक्षित कहां है?